सीएम पोस्टिंग की इकलौती खास बात ये है कि हमें बाहर घूमने जाने को मिलता है, इसलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। सो हमारी चल रही थी इलेक्टिव्स में नॉन क्लिनिकल पोस्टिंग, तो हमें ले जाया गया मोटा हल्दू, जहाँ पे हमें हर फैमिली में शुगर और बीपी चेक करना था। जिस फैमिली में हम गए थे वहाँ 9 कुत्ते और भाई 3 बिल्लियाँ थी, घर नहीं पूरा का पूरा जू बना पड़ा था। हम सब ग्रुप में बैठे हुए थे, तो एक ग्रुप में 4 लोग हैं, तो कोई पर्टिकुलर डिटेल्स लेने लगता, बाकी जने बारी बारी से शुगर और बीपी चेक करने लगते। और ये आंटी हमसे डर रही थी कि हम ज्यादा ही खून ना निकाल दे। नहीं तो अरे निकालने दो आंटी, बॉस ये हैं ईशान बॉस, हमारे डिपार्टमेंट के पीजी जेआर, जिन्होंने अपने अंडर में अब कमांड ले ली थी। हम ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे थे, इसमें बस पेशेंट की उंगली को सैनिटाइज करके बस प्रिक करना होता है और ब्लड को बस स्ट्रिप पे लगाना होता है और उससे हमें ब्लड शुगर लेवल पता चल जाता है। तो इन आंटी का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल था, और जो दूसरे ग्रुप वाले थे वो अदर मेंबर्स का चेक कर रहे थे बीपी एंड ब्लड शुगर। फिर हम लोग वापस जा रहे थे कि पीछे से उनका कुत्ता भी आने लगा हमारे साथ। बॉस हमें कुछ समझा रहे थे कि पीछे से एक और कुत्ता आ गया निकल के, और बहुत ही आलसी कुत्ते थे भाई साहब। यार सच में इकलौती ऐसी पोस्टिंग है जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारे वाले ग्रुप का सर्वे कंप्लीट हो गया था तो हम अदर ग्रुप्स का वेट कर रहे थे वहीं पे। देन हमारा फोटोशूट सेशन चलने लगा कि एटलीस्ट सीएम डिपार्टमेंट को पता तो रहे कि हम गए थे सर्वे के लिए। फिर सबने ग्रुप फोटो वगैरह खिंचाई, देन वापस हम बस की ओर जाने लगे। कर दे तू उसे, कितनी प्यारी सी बकरी है यार। ये है PHC जो कि है मोटा हल्दू में, जो सामान हम लेके गए थे अब उसे वापस भी तो रखना था, तो हम वापस इसे PHC में रखने के लिए आए थे। अब हम डायरेक्टली कॉलेज जा रहे थे, सबका स्टेमिना इतना डाउन हो गया था कि बस में पूरी शांति का माहौल फैला हुआ था। वैसे बताना चाहूंगी कि यार फोर्थ ईयर में आके भी CM जाना पड़ रहा है, आई होप ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट विजिट हो और दोबारा हमें CM ना आना पड़े। लो आ गया हमारा कैंपस, यार CM वालों प्लीज अब दोबारा मत बुलाना, फाइनल वाला टाटा बाय बाय।